दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई और चेन्नई के बीच हुए जबरदस्त घमासान वानखेड़े के मैदान में हुआ, लेकिन मैच में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे मुंबई के घातक गेंदबाजी क्रम ने छुड़ाए चेन्नई के पसीने, आखिर कैसे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर चेन्नई के खूंखार बल्लेबाजों ने वानखेड़े के मैदान पर चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए रच दिया नया इतिहास। अपनी घातक बल्लेबाजी से कितने रनों का दिया उन्होंने, मुंबई जैसी टीम को लक्ष्य कितने रनों का दिया, किस बल्लेबाज ने योगदान, मुंबई की तरफ से बुमराह से लेकर किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और रोहित में कौन सबसे महान कप्तान और खिलाड़ी है, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला, क्योंकि आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम आमने सामने थी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। इस मुकाबले में हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ रचिन रविंद्र आए, वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन अजिंक्य रहाणे ओवर की पांचवी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ओवर में चेन्नई का स्कोर 6 रन बन गया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए कॉर्डजिया और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई का 8 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर पवेलियन लौट के रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए मैदान पर अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी, लेकिन इस बार इनका स्वागत ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 18 रन पाया। चौथा ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र ने बुमराह को एक शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 24 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए पांचवा ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉर्डजिया, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए, अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे चेन्नई के दर्शक भी पूरी तरह से खुशी से झूमने लगे। चौथी गेंद को भी उन्होंने एक शानदार चौके में तब्दील किया और इस ओवर से 14 रन उस ओवर में बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 38 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या को लगातार विकेट की तलाश थी और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज आकाश माधवन को थमाई। चेन्नई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। माधवन की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। माधवाल की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जादुई फिरके से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। चेन्नई का स्कोर 7 ओवर में केवल 52 रन बन पाया था। टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए श्रेयस अय्यर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र को अपना शिकार बना लिया। चेन्नई का दूसरा झटका 60 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र टीम के लिए 16 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभाला और 100 रनों के पास पहुंचे, वहीं अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। वहीं शिवम दुबे का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड को इस ओवर में शिवम दुबे ने जमकर कूट दिया दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया तो चौथी और अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर 22 रन बटोर कर अपनी टीम को 14 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दुबे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 15वां ओवर लेकर आए आकाश माधवाल के ओवर में भी शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने पहला छक्का जड़ा और फिर चौका जड़कर इस ओवर में 17 रन बटोर कर अपनी टीम को 15 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते दुबे ने भी अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में ठोक दिया, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गवा बैठे। मुंबई को तीसरा विकेट मिल गया। 39 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 69 रन बनाकर गायकवाड़ पवेलियन लौट गए। अब दुबे का साथ देने के लिए मैदान पर डैरिल मिचेल आ चुके थे, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। 14 गेंद में 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और आते ही उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया।
हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया, इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर भेजा और पांचवी गेंद पर भी वो छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 206 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब मुंबई को अलग से चेन्नई की घातक गेंदबाजी के आगे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला था। उनकी तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पॉकेट डायनेमो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पांचवी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को पहले ओवर में 5 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान, इस बार भी इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 ओवर में ही 13 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत इस बार ईशान किशन ने रोहित के अंदाज में किया, दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना दहाड़ लगाना शुरू कर दिया, इसी ओवर की पांचवी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। 3 ओवर में ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 25 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में आ चुके थे, चेन्नई की गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और इनका स्वागत तो ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और 4 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 38 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए पांचवा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान, इनका स्वागत एक बार फिर रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए, अगली ही गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसी ओवर में अंतिम गेंद पर कृष्णा ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। इन दोनों खिलाड़ियों की घातक बल्लेबाजी जारी रही, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते गए। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी मुंबई के एक एक बल्लेबाज मैदान पर आते गए और चौके छक्के लगाकर मैच को पलट कर रख दिया और ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। इसके बाद तो किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को बनाएगा इस बार आईपीएल का चैंपियन, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल जरूर है, लेकिन इस आखिरी आईपीएल में धोनी इतना मनोरंजन दे रहे हैं जो आने वाले 5-10 सालों तक सब याद रखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज धोनी अपने खास स्पेशल मैदान मुंबई के वानखेड़े में पहुंचे थे मुंबई से भिड़ने। स्पेशल एल क्लासिको की शुरुआत वैसे तो पांड्या के टॉस जीतने के साथ हुई थी, लेकिन दोस्तों मैच जीतने के लिए अलग तरीके की परफॉर्मेंस लगती है चेन्नई के सामने, जो आज मुंबई कर तो रहा था लेकिन बाद में भटक गया। आपको बताएं दोस्तों कि मुंबई ने अजिंक्य रहाणे को 5 रन, रविंद्र को 21 रन पर निपटा दिया था, लेकिन उसके बाद गायकवाड़ के 40 गेंद में लगभग 70 रन और 38 गेंद में 10 चौके 2 छक्के लगाकर जो 66 रन दुबे ने बना दिए ना, उससे एक माहौल सेट हो चुका था और 180 रन अंतिम ओवर तक बन चुके थे जब तक डेरिल मिशेल मैदान में थे। वैसे तो स्कोर कम था लेकिन फिर भी सही मायनों में देखा जाए तो वो एक टारगेट डिफेंडेबल था। फिर भी कुछ कमी थी उन चौके छक्कों की जो अंतिम ओवर में चाहिए होते हैं आजकल हर टीम को आईपीएल में कम्पीट करने के लिए, और वो चौके छक्के मिले हार्दिक पांड्या के ओवर में। ऊपर से वो चौके छक्के लगाने वाले भी हमारे माही भाई ही निकले। दोस्तों, मिशेल के आउट होते ही ना धोनी मैदान में आ गए थे और अपनी फुल फ्लेज फॉर्म में एमएस धोनी तगड़े बिल्डअप के साथ पांड्या को पीटने के लिए तैयार थे। इस ओवर की तीसरी गेंद आती है एक स्लोअर डिलीवरी, जिस पर दोस्तों एमएस धोनी लॉन्ग ऑफ की तरह एक खूबसूरत छक्का जड़ते हैं। अगली गेंद पर क्या होना था किसी को भी अंदाजा नहीं था। एक और दोस्तों गेंद आती है, इस बार एक ज्यादा धीमी गति की गेंद को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ से धोनी एक और छक्का जड़ते हैं और स्ट्राइक रेट 600 के पार। अब दोस्तों अगली गेंद पर जो होना था उसने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, एमएस धोनी को जब फुल टॉस डालेंगे तो वो तो फ्लिक शॉट खेलेंगे ही ना, ऊपर से धोनी की रिस्ट में कितनी जान है ये तो सबने देख ही ली। वही इसी ओवर की पांचवी गेंद पर दोस्तों धोनी ने फ्लिक शॉट खेला और लेग साइड की तरफ से इतना शानदार छक्का हो गया कि दोस्तों चेन्नई की टीम 200 के पार पहुंच गई। आखिरी गेंद पर 2 रन आए, यानी कि माही भाई मैदान में आकर 4 गेंदों में 500 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगाकर 20 रन बनाते हैं। लेकिन जिस वक्त पर ये 20 रन बने वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, धोनी की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, जिसे देखकर आज हर कोई मुंह में उंगली डाल के बैठ गया था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा मुकाबला एल क्लासिको चेन्नई और मुंबई की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। पिछले मैच में मुंबई का शानदार प्रदर्शन और जीत देखकर सबको लग रहा था कि भाई बड़ा टारगेट नहीं बनाना तो चेन्नई की खैर नहीं। लेकिन जब तक सबको ये खुशी हो रही थी कि चेन्नई की टीम तो कम स्कोर बनाएगी, तब तक दोस्तों मैदान में 2 तूफान कदम रख चुके थे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छी बैटिंग कर ही रहे थे, लेकिन
दुबे ने आज जो उनका साथ दिया ना, दुबे ने दोस्तों सबको दूर का दिखना बंद करा दिया था। आपको बताया दोस्तों कि मुंबई के कप्तान पांड्या की किस्मत अच्छी है, टॉस वो जीत जाते हैं, टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी भी चुनी और इतना अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी में कि अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र को 5/21 पर घेर लिया श्रेयस गोपाल और कोटजे ने। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की शुरुआत वैसी तो नहीं जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन